आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, काजकिस्तान के वज़ीर आज़म उलरास बेक्तिनोव जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मेहमान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है और अब कुछ लम्हे के बाद वज़ीर आज़म जो हैं मेहमान वज़ीर आज़म काजकिस्तान के वज़ीर आज़म उलरास बेक्तिनोव जो हैं वो इस गाड़ी में सवार होंगे और स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ बड़े शाहाना अंदाज में इनको रवाना किया जाएगा रेड जोन की तरफ। इसी हवाले से मुझे अपडेट्स देते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खसूसी बराए अमूर खारजा अनस मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अनस मलिक, उलरास बेक्तिनोव भी तशरीफ ले आए हैं काजकिस्तान के वज़ीर आज़म, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया, बिल्कुल काजकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और इसी के साथ ये पाँचवें छठे जो हैं वो एस सी ओ के लिए आने वाले मेहमान बचे बने। अब से तकरीबन सवा घंटे बाद, इनफैक्ट एक घंटे बाद जो है रूस के वज़ीर आज़म भी जो हैं वो यहाँ पर लैंड करेंगे और उसके साथ साथ ही जो आने वाले वज़ीर आज़म की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब तकरीबन चार और पाँच और वफूद ने आना है जिसके बाद एस सी ओ के लिए शांघाई तावन तंजीम के लिए जो आने वाले मेहमान ग्रामी हैं उनकी जो जिनकी जो स्केड्यूल के मुताबिक उनकी तादाद जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। जी ठीक हो गया। और मंगोलिया के मुबसर के जो वज़ीर आज़म हैं वो उनका शेड्यूल क्या है आने का? जी बिल्कुल, वो भी तकरीबन छः बजे के दरमियान, छः बजे के लगभग जो है उनको उनके आने की बात की जा रही है। अच्छा, जो इतलात मौसूल हो रही है उस पर कहा गया रूसी वज़ीर आज़म के वफद 58 के करीब सहाफ़ी भी शामिल होंगे, बड़ा वफद है और मिखाइल व्लादिमीर जो हैं इनकी पाकिस्तानी इंतजामिया से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं और रूस और चीन के बानी की कहा जा रहा है कि इनकी भी मुलाकातें हैं, कुछ ऐसी इतलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इसी तरह है, उनकी बायलैटरल मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल की गई हैं और रूस के वज़ीर आज़म जो हैं वो बड़े वफद के हमराह से कुछ देर बाद काजकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उलरास बेक्तिनोव वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और इनका इस्तकबाल वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने किया है।